हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2024-25 जिसमें जीएस के 10 से 25 प्रश्नों के बीच आते हैं। आज हमने यहां पर 20 प्रश्न लिए हैं जो कि परिषद विद्यालय की प्रकृति से लिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आइए फटाफट इन्हें हम शुरू कर लेते हैं। और आप भी इन सभी प्रश्नों के कमेंट जरूर कीजिएगा आपके प्रश्न कितने सही हुए। और इसकी परीक्षा सभी को पता है 3 दिसंबर 2023 को होना निश्चित है। तो सबसे पहला प्रश्न है, जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? खड़े होना चाहिए, बात करनी चाहिए, चुपचाप लाइन में बैठना चाहिए, या फिर सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर चुनिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। गांधी जयंती जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए 2 अक्टूबर, तो आपका आंसर सही है। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी, 15 अक्टूबर, 15 अगस्त, या फिर 2 अगस्त। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस की बात की जा रही, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन आपने अगर ए चुना है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? सभी को इसका आंसर होता, जल्दी से कमेंट कीजिए। 26 अगस्त, 15 अक्टूबर, 15 अगस्त, या फिर 2 अगस्त। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी 15 अगस्त, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर रक्षा मंत्री? जल्दी से कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर इसका आपने आंसर चुना है सी राष्ट्रपति, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही, चाहे वो राज्यपालों की नियुक्ति हो या फिर मुख्य न्यायाधीश की हो या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, इन सब में जो है नियुक्ति करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, शहीद दिवस? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका कमेंट है ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। तीनों, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये तीनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं, जबकि शहीद दिवस ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, गंगा, नील, या फिर परगना? याद रखना है, यहाँ पर विश्व की पूछा जा रहा है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, और सबसे अगर बड़ी की बात की जाए तो वो है आपकी अमेजन नदी। तो आपको ये भी याद रखना है कि अमेजन नदी बड़ी है विश्व की, और सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? नील है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, या फिर गोदावरी? यहाँ पर भारत की पूछा जा रहा है, जो भारत में जो सबसे लंबी बहती है उसका नाम है गंगा, और आपका ऑप्शन भी होगा गंगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती, यानी भारत की नहीं है? यमुना है, ब्रह्मपुत्र, नील, या फिर सतलज? अभी अभी आपको बताया था, यहाँ पर हो जाएगा नील। ये मिस्र की सबसे लंबी नदी है और पूरे विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के शहर प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को क्या कहते हैं? गंगोत्री, त्रिवेणी, पंच नद, या इंद्राणी? और अगर आपने ऑप्शन चुना है बच्चों कौन सा बी, तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी इसको कहते हैं त्रिवेणी। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय पकवान है? तो चूंकि वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, और जिसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और अगर आपने यहाँ से ऑप्शन बी को आप चुनते हैं, याद रखते हैं,
तो यहां से भी आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना आपको रहेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों सेनाओं को जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। यहां से ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला या फिर जलेबी। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। और अगर आपने यहाँ ऑप्शन चुना है ए हॉकी, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में राष्ट्र गान कौन सा है? गल गया, आप उसको सही कर लीजिएगा। वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो है जनगण मन, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग नहीं है? केसरिया, सफेद, हरा या फिर गुलाबी। तो भारत जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें गुलाबी रंग कहीं पर नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो तीनों रंग है इनके अलग अलग अर्थ भी हैं, जिन्हें आप याद कर लीजिए। केसरिया बलिदान है, सफेद शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। अगर आपने ऑप्शन चुना है यहाँ से राष्ट्रपति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रुपए का प्रतीक क्या है, यानी चिन्ह कौन सा है? पहला, दूसरा, सी और डी। इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका अगर आंसर आपने चुना है बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसकी डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने। किसने किया था? डी उदय कुमार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो इसका अगर आपने सही आंसर चुना है तो उसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति यहां से आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है, कोई अध्यादेश देश के लिए नियम यानी कानून जो जारी करता है कौन? कानून मंत्री, न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। अगर आपने ऑप्शन चुना है राष्ट्रपति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुल मिला के आज हमारे 20 प्रश्न थे। निश्चित तौर पे ये पसंद आए होंगे, तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।